आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज। तो देखो, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो निकालना है और ऑप्शन से मैच करना है। तो देखो, वी इंस्टेंटेनियस अगर बात करें, यानी किसी भी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी जो कि SHM करती हुई किसी बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। और अगर हम लोग बात करें कि वी एवरेज की, तो वी एवरेज जो होता है वो होता है क्या? तो वी एवरेज हम लोग ऐसे जनरल अगर बात करें तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में जो टाइम टोटल लिया गया है। ओके, जो टोटल टाइम लगा है मतलब। तो यहाँ पर देखो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल जो है मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल। तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करें तो यानी कि पूरा एक टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया गया है, ये हम डिस्टेंस कवर किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो देखो स्पीड पूछा है, वेलोसिटी नहीं है। तो भी जो है यहाँ पे ये एवरेज स्पीड है, स्पीड जो कि एवरेज ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो होगा वो डिस्टेंस का फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन का डिफरेंस होगा। ओके, तो पूरा मतलब कितना डिस्टेंस एक टाइम पीरियड में कवर किया जाता है वही होगा यहाँ पे, तो वो होता है 4e के बराबर। और जो टोटल टाइम लगेगा एक पूरा टाइम पीरियड में वो कि t के बराबर होगा, कैपिटल T। तो हम लोग टाइम पीरियड जो है वो जानते हैं वो क्या होता है, 2π/ω होता है टाइम पीरियड। ठीक है, 2π/ω होता है, तो टाइम पीरियड को 2π/ω पुट करेंगे तो वी एवरेज जो है वो कितना आ जाता है, 4a अपॉन में 2π/ω करेंगे तो ऊपर ओमेगा चला जाएगा। ओके, तो हमारे पास वी एवरेज की वैल्यू ये आ गई। ओके, और वी इंस्टेनियस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने टाइम पीरियड इसलिए हमने ओमेगा के टर्म में लिखा ताकि ये कट जाए। ओके, तो इसका ख्याल रखें कि हमें क्या निकालना है और किस तरह के ऑप्शन दे रखें। तो ओमेगा यहाँ से कटने के लिए हमने टाइम पीरियड को कन्वर्ट किया है ओमेगा के टर्म में। तो देखो, वी इंस्टेनियस अपॉन में वी एवरेज की बात करें तो ये कितना आ जाता है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये ओमेगा रूट ओवर इंस्टेनियस की बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, और हम लोग वही एवरेज की बात करें तो ये कितने के बराबर आ रहा है, 4a ओमेगा अपॉन में 2π, तो 2π ऊपर चला जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई 2π का कर दिया। ओके, तो यहाँ से देखो ओमेगा जो है वो हमारा कट जाता है, और यहाँ से 2 जो है ये 4 को कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई और पाई बाई 2। तो यानी कि ये रेशियो की वैल्यू में पाई बाई 2 एक आ रहा है टर्म। ओके, और क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है क्या, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए आ रहा है। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, इसके रूट के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए पाई बाई 2 के अंदर रूट में दे रखा है कुछ। ओके, तो हम इसको अंदर ले जाएंगे तो ये रेशियो जो है कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा कि पाई बाई 2 ओके रूट ओवर ए स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन होने के कारण 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखो ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का अगर रेशियो हम लोग निकालें तो ये रेशियो जो है वो ऑप्शन डी से मैच करता है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन में एवरेज स्पीड का रेशियो जो है एक्स पाई बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।